क्योंकि कोई लड़का से नहीं प्यार हुआ हमको, अगर किसी से और प्यार हो जाता तो उसको टैटू बनवा लेते, क्योंकि हमको बागेश्वर बाबा से प्यार हुआ है इसलिए उनको टैटू बनवा लिए। मैं इनकी ऑनलाइन सास हूँ। अच्छा ऑनलाइन सास है। हाँ। अच्छा लुक है। हाँ, कितना अच्छा लुक है। हाँ। तिलक है नागपुर, उनका तिल है, तिल भी मतलब कि हर चीज उनका उतार लिए हैं। अच्छा तो दर्द नहीं हुआ था? दर्द तो बहुत हुआ है, तो कहे ना कि प्यार में दर्द सहने में बहुत मजा आता है। लग रहा है कि बागेश्वर बाबा धोखा नहीं देंगे आपको? नहीं वो धोखा नहीं देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का हम ही नहीं बोले कि बागेश्वर बाबा हमको आके आप मांग में सिंदूर डाल। बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के मरीन ड्राइव पे है और आज हम आपको एक ऐसे लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो बागेश्वर बाबा के प्यार में पागल है। पागलपन इतना छाया कि हाथ पे टैटू ही बनवा रखी। आप हमारे साथ देख सकते हैं कैमरा में कि वही गर्ल मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जो आपका जो न्यूज़ देखने वाले हैं उनको सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, बाबा तक पहुंचा दीजिए। बाबा तक पहुंचना है एकदम। सबसे पहले नाम बताइए क्या है? नाम मेरा रेनू है। रेनू? हाँ। अच्छा रेनू जी बताइए कि आप बागेश्वर बाबा के प्यार में इतना पागल क्यों हो गई कि हाथ में टैटू बनवा ली? क्योंकि कोई लड़का से नहीं प्यार हुआ हमको, अगर किसी से और प्यार हो जाता तो उसको टैटू बनवा लेते, क्योंकि हमको बागेश्वर बाबा से प्यार हुआ है इसलिए उनको टैटू बनवा लिए। एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा क्लोज करके दिखाइए कि ये हाथ में देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है। हाँ, कितना अच्छा लुक है। हाँ। तिलक है नागपुर, उनका तिल है, तिल भी मतलब कि हर चीज उनका उतार लिए हैं। अच्छा तो दर्द नहीं हुआ था? दर्द तो बहुत हुआ है, तो कहे ना कि प्यार में दर्द सहने में बहुत मजा आता है। अच्छा, इतना प्यार का पागलपन छाया। प्यार में दर्द नहीं सहे तो प्यार कैसा? अच्छा इसलिए ये बताइए कि सच बताइएगा बनवाने में बहुत पैसा लगा होगा? हाँ, पैसा तो 8,000 रुपया लगा है। 8,000 रुपया? हाँ, 8,000 रुपया लगा है। अच्छा तो सुनने में आ रहा है कि आप वायरल भी हो रही हैं और बागेश्वर बाबा से शादी भी करने वाली हैं। अगर बागेश्वर बाबा अगर शादी करने के लिए एग्री हो जाएंगे तो जरूर करेंगे, सबके पूरा पार्टी देंगे, सबके बुलाएंगे, सबको बुलाइएगा जी। अच्छा, वो तैयार तो हो जाए कि अगर बाई चांस बागेश्वर बाबा से प्यार नहीं हुआ, किसी और लड़के से प्यार हो गया तो क्या कीजिएगा? हमको कोई और लड़का हमको चाहबे नहीं करिए, हमको सिर्फ बागेश्वर बाबा चाहिए। बागेश्वर बाबा चाहिए? बागेश्वर बाबा ही क्यों? बागेश्वर बाबा में आपको क्या लगा? कर लेंगे तो काहे नहीं करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर कर लेंगे। अच्छा बागेश्वर बाबा से मिली है कि नहीं इसके पहले? अभी नहीं मिले हैं लेकिन मिलने वाले हैं। अच्छा बागेश्वर बाबा तो पटना भी आए थे, वहाँ पे आए थे? जी मैडम, पटना आए थे लेकिन हम पटना में नहीं थे, राजगीर में शूटिंग पे थे। अच्छा शूटिंग पे थे। हाँ, हम और क्या करती हैं? शूटिंग करते हैं, जैसे कॉमेडी, फिर वीडियो बनाते, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, पारिवारिक वीडियो बनाते हैं, फिर एल्बम करते हैं, 2-4 गो फिल्म में भी काम किए हैं। अच्छा अच्छा, मेरा प्यार मेरा साथी, मतलब कितना 2-4 गो फिल्म में काम किए हैं। घर कहाँ है आपका? घर मेरा पटना है। अच्छा पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं पढ़ाई तो नहीं करते अभी। अच्छा ये बताइए जब आपके घर वाले टैटू देखे तो कुछ बोले कि नहीं कि बागेश्वर बाबा का टैटू क्यों बनवाई? नहीं नहीं, मेरा माँ तो खुद सपोर्ट कर रही है, मेरा मम्मी बोल रही है बेटा ऐसे बोलना वैसे बोलना, मेरा मम्मी खुद बोलती है समझाती है। अच्छा, क्योंकि इनका फैन मेरा घर में पूरा फैमिली है, 4 बजे 5 बजे सब हमारे घर में उठता है, उसके बाद फिर खाना बनता है ना, तो जैसे इनका प्रवचन लग जाता है। अच्छा अच्छा, मेरा घर में सब कोई फैन है इनका। तो क्या लग रहा है कि बागेश्वर बाबा का टैटू अब बनवाई है तो बागेश्वर बाबा तक आप पहुँच पाइएगा? जरूर पहुँच पाएंगे, पूरा पब्लिक का सपोर्ट है, काहे नहीं पहुँचेंगे। कुछ पब्लिक हमको विरोधी कर रहे हैं, कुछ पब्लिक हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर पहुँच जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि बागेश्वर बाबा से शादी नहीं हुआ, आप बोल रही हैं कि शादी एकदम होगा ही होगा, उन्हीं से करेंगे, अगर नहीं हुआ किसी और लड़का से हुआ तो इस टैटू का क्या कीजिएगा? हम किसी और लड़के से शादी करवे नहीं करेंगे। ये कैसे कह सकती हैं कि नहीं करेंगे? प्यार में धोखा मिला है इसलिए। प्यार में धोखा मिल गया? कौन दे दिया धोखा? कौन धोखा दे दिया? किसी से प्यार किया था वो धोखा दे दिया, इसलिए हमको बागेश्वर बाबा से प्यार हुआ, उनका शरण में जाना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि बागेश्वर बाबा धोखा नहीं देंगे आपको? नहीं वो धोखा नहीं देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का हम ही नहीं बोले कि बागेश्वर बाबा हमको आके आप मांग में सिंदूर डाल दीजिए, हम उनको कहते हैं कि आप चेलिन बना लीजिए, चाहे आप साधु है तो साधुआन बना लीजिए, ना तो एक नौकरानी बनाइए, ना तो अपने बहन का भी रूप बना सकते मतलब हैं। प्यार में उनके इतना पागल है कि नौकरानी तक बनने के लिए एकदम 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 वो कहेंगे ना कि हमारे चरण दबाओ तो हम उनको चरण दबाने के लिए हो जाएंगे। ये वाइफ से नौकरानी तक का सपना कैसे पूरा होगा आपका? आप देखिए कैसे पूरा होता है, जब ऊपर वाला की आँख खुल जाएगा तो जरूर। मतलब इतना आप नीच सोच रही है कि कभी सोच रहे हैं कि वाइफ बन जाएंगे, कभी सोच रहे हैं कि नौकरानी बन जाएंगे, कभी सोचिएगा कि जूता साफ भी बागेश्वर बाबा कराएंगे अपना तो कर लेंगे। एकदम एकदम उनको शरण में हम सिर्फ रहना चाहते हैं, क्योंकि धरती बहुत मतलब गंदगी हो चुका है, इसलिए हमको बिहार में नहीं इधर नहीं रहना है, हमको गुरुजी के साथ रहना है। क्या गुरुजी के पास से गंदगी नहीं है? नहीं है,
वो औरत की इतना इज्जत करते हैं, इतना गरीबी के बारे में समझाते हैं, तो इसलिए हमको उनको फाइन हम हो गया। अच्छा, बागेश्वर बाबा पे तो लोग ब्लेम भी लगाते हैं कि बागेश्वर बाबा उन्हीं लोग को बुलाते हैं जिनको जो वहाँ पे सेटिंग होता है, वो पखंडी बाबा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले। आपसे किसने कह दिया कि बागेश्वर बाबा से मिलना एकदम निःशुल्क है? हाँ, भले उनके नीचे के जो जो भी लोग संत लोग हैं, हो सकता है ले रहे हो। अच्छा, आप इनकी कौन है? मैं इनकी ऑनलाइन सास हूँ। अच्छा, ऑनलाइन सास है आप? हाँ। अच्छा, तो बागेश्वर बाबा की माँ हुई या? नहीं नहीं, बागेश्वर बाबा की माँ नहीं, नहीं और तो शादी करने वाली बोल रहे बागेश्वर बाबा। इन्होंने कहा ही कहा कि बाबा शादी कर ले, इतनी जनता भीड़ लगाई हुई, कोई एक बता दे कि बागेश्वर बाबा शादी करेंगे। बताइए कि खेसारी लाल का वो जो कौन पोखरा में था, वो खेसारी लाल का टैटू बनवाइए, साथ चल गई पवन सिंह के, तो आप भी ऐसा नहीं ना कीजिएगा, बागेश्वर बाबा का टैटू बनवा के किसी और के साथ नहीं ना जाइएगा। तो भोजपुरी लाइन से वो थोड़ी है था कि वो हमको गाना में काम दे देंगे चाहे फिल्म में काम दे देंगे, सिर्फ हम उनको शरण में रहना चाहते हैं। और लोग बहुत लोग कह रहा है कि फेमस होने के लिए कर रही है, अगर हमको फेमस होने के लिए रहता ना तो पवन जी के टैटू बनाते, चाहे पटना के अक्षरा सिंह है उसको टैटू बना लेते, क्योंकि हम भी पटना के हैं। हाँ, तो क्यों इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम भी भोजपुरी लाइन से हम हर जगह काम कर चुके हैं, हम उनको शरण में अब रहना चाहते हैं, क्योंकि हम मतलब गंदगी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए हम उनको शरण में जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ बागेश्वर बाबा के प्यार में पागल रेणु थी, जो इतना पागलपन छाया कि उनका टैटू ही बनवा ली। इनका साफ तौर पे कहना है कि बागेश्वर बाबा से हम शादी करेंगे और शादी करने के बाद उनके चरण में हम जाएंगे, चाहे वो मुझे नौकरानी बना ले वा वाइफ बना ले, यहाँ तक कि ये नौकरानी बनने के लिए भी तैयार है। आपका क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रति, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।